टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल हालत के कारण उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहागढ़ डिपो को इस महीने करीब 45 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने के कारण मैदानी क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग हल्द्वानी के रास्ते सफर करने को मजबूर हैं। के कारण पहली तारीख से अब तक लगभग 45 लाख का लगभग नुकसान हो चुका है और हमारी जो बड़ी गाड़ी है वो लोहागढ़ से देवीदरा मार्ग पर पास नहीं है, जिस कारण छोटी वाहनों को भेजा जा रहा है कि हमारे पास जो 16 गाड़ियां छोटी हैं जो नीचे भी फंसी हुई है और पाया टनकपुर से भी भेजी जा रही है बस देवीदरा होते हुए, और जो बसें हमारे यहाँ है चार चार पाँच पाँच बसें हम यहाँ से लोहागढ़ से देवीदरा होते हुए देहरादून को संचालित कर रहे हैं। आज हमारे द्वारा चार गाड़ियां भेजी गई हैं, एक चंपा से नैनीताल, एक लोहागढ़ से देवीदुरा देहरादून, दो गाड़ियां देवीदुरा होते हुए दिल्ली लोहागढ़ दिल्ली संचालित की गई हैं और दो गाड़ियां हमारे द्वारा छोटी टनकपुर से बाया हल्द्वानी देवीदुरा होते हुए लोहागढ़ बनाई गई हैं जिनसे कल संचालित करेंगे हमारे मार्ग पर। हमारी टनकपुर में ये रोड ब्लॉक के कारण जिनको हमारे द्वारा टनकपुर से विभिन्न मार्गों पर संचालित जा रही हैं बड़ी गाड़ियां हैं जो 105 व्हील बेस की हैं, यहाँ वो पास नहीं है इस रोड में, इस कारण हमें टनकपुर से दिल्ली देहरादून बरेली मार्गों पर संचालित किया जा रहा है।